हम तो कहेंगे देश के गरीबों पर, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा दलितों का है, आदिवासियों का है, पिछड़ों का है, अल्पसंख्यकों का है, महिलाओं का है, उन पर जो हमले हैं वो चौतरफा बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्या वामपंथियों को थोड़ा अम्बेडकरवादी होना होगा और अम्बेडकरवादियों को थोड़ा वामपंथी होना पड़ेगा। आज मैं नई दिल्ली के हरकिशन सिंह सुरजीत भवन में हूँ। वहाँ देश के कई संगठनों द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और इसका विषय है जो दलितों के खिलाफ लगातार जो हिंसा बढ़ रही है देश में, और कई तरह की हिंसा, सिर्फ फिजिकल नहीं, मानसिक हिंसा भी। इन तमाम मुद्दों को लेकर देश के कई भागों से तकरीबन हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। कई संगठन इसमें शामिल हैं, मैं भी आया हूं और सुभाषिनी जी मेरे साथ हैं। आप पहले इंटरव्यू देख चुके हैं, ये प्रोग्राम होने से पहले भी मैंने एक इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू किया था और आज प्रोग्राम हो गया, अभी लंच ब्रेक है और काफ़ी लोग अंदर जा चुके हैं। लेकिन चलते चलते कुछ सवाल कि आखिर इसका पूरा जो कन्वेंशन है ये किसी पार्टी का ऑल, मतलब कई तरह के संगठनों का एक समागम है जी, बताएं जरा क्या हुआ है। ये जो इसको आयोजन, इसका आयोजन करने वाले 5 संगठन हैं, इसमें 2 खेत मजदूर यूनियन है, 2 लेफ्ट पार्टीज के साथ काम करने वाले दलित संगठन हैं और 3 खेत मजदूर यूनियन हैं, तो 5 हैं सब मिला करके। तो मतलब लेफ्ट के साथ करने वाले काम दलित अधिकार के सवाल पर ये 5 संगठन हैं। और हम लोगों ने पिछले 2-3 महीने में ये योजना बनाई कि जो 2014 के बाद से हालात और भी ज़्यादा ख़राब हुए हैं और चौतरफा हमला, हम तो कहेंगे देश के गरीबों पर, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा दलितों का है, आदिवासियों का है, पिछड़ों का है, अल्पसंख्यकों का है, महिलाओं का है, उन पर जो हमले हैं वो चौतरफा बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और एक तरह से दलितों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके अधिकार, उनकी नौकरियां, उनकी शिक्षा, उनका सम्मान, उनकी मतलब आत्मविश्वास, इसको बिल्कुल चकनाचूर करने की एक सोची समझी साजिश हमारे देश में लागू की जा रही है। तो ऐसी हालत में ये तय किया गया कि इस सवाल पर एक बड़ा सम्मेलन किया गया है और ख़ासतौर से जो उत्तर भारत के लोग हैं, जहाँ पर ये समस्याएं सबसे ज़्यादा गंभीर है और जहाँ पर आंदोलन भी कुछ हद तक कमज़ोर है, वहाँ के लोगों को इकट्ठा किया जाए और बहुत सारे संगठनों को बुलाएं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये संगठन लेफ्टिस्ट हों, ये लेफ्टिस्ट आउटलुक के हों, लेकिन अगर वो दलित मुद्दों पर आंदोलित हैं तो उनको सबको मौका दिया जाए और एक प्रस्ताव तैयार किया गया, उसको वो लोग और भी अच्छा बनाएंगे, कुछ मांगे हैं। लेकिन इसके बाद हम ये चाहते हैं कि ये जो लोग इकट्ठा आए हैं तो इस मंच को हम लोग बरकरार रखें और भी ज़्यादा विस्तृत करें और एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन यहाँ पर तय हो और हम लोग ज़िलों में जा कर के, अपने स्टेट्स में जा कर के, राज्यों में जा कर के इसी तरह के तमाम संगठनों को इकट्ठा करके जो भी यहाँ पर प्रोग्राम तय होता है, और वो कन्वेंशन का और सेमिनार का नहीं बल्कि कोई रैली हो, कोई प्रोटेस्ट हो, उसका एक दिन हम लोग चाहते हैं तय हो, तो वो हर प्रदेश में दिखाई दे एक ही दिन, तब उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा और फिर हम लोग सोच सकते हैं कि दिल्ली में हम क्या कर सकते हैं। एक सवाल, पिछले कुछ दिनों में एक नया स्लोगन देखने को मिला है जो बेहतर, जय भीम लाल सलाम। और मैं अम्बेडकर साहब को पढ़ता हूँ, कई बार डांगे साहब को लेके उनके बहुत तीखे सवाल रहे हैं, लेकिन वामपंथ से उनकी उस तरह से लड़ाई नहीं है। कार्ल मार्क्स और बुद्धा का जो उनका पूरा लेक्चर है मैंने पढ़ा है, और सिर्फ तो चाहते हैं कि वामपंथी और वाम बने। हाँ, तो और वाम बने। तो कास्ट के सवाल को लेकर, तमाम ये सब सवाल को लेकर उनके जीवन काल में ही बहुत सारे अंतर्विरोध थे और बहुत एग्रेसिवली वो बोलते थे। अभी आपका एक नारा चल रहा है, जय भीम लाल सलाम, इसको कैसे देखा जाए? क्या लेफ्ट पार्टीज के पूरे पॉलिटिकल फिलॉसफी में कोई चेंजेस आ रहा है, उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, इलेक्शन पैटर्न पे, लीडरशिप इस पे पड़ेगा? मुझे लगता है कि जो हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स में बातें दर्ज हैं, हमारे प्रस्तावों में दर्ज हैं, उनको अब ज़्यादा गंभीरता से देखा जा रहा है और लिया जा रहा है जी। क्योंकि अगर हम उत्तर भारत को देखें तो एक ज़माना था, मतलब आज़ादी के पहले और आज़ादी के तुरंत बाद, जब बहुत बड़े आंदोलन जिसमें दलित
भागीदार थे वो लाल झंडे के नेतृत्व में चले जी, और वो छुआछूत के खिलाफ थे और ज़मीन के सवाल पर थे। और उसके बाद जैसे कि कुछ लैंड रिफॉर्म हुआ, कुछ पिछड़ी जात के लोगों को ज़मीन मिल गई वगैरह, तो ये आंदोलन मंद पड़ गए। और ये बात बिल्कुल सही है कि ख़ास तौर से उत्तर भारत में अगर लेफ्ट सामाजिक सवालों पर, यानी जो दलितों के प्रश्न हैं, माइनॉरिटीज़ के हैं, महिलाओं के हैं, तो आप जब तक इनको क्लास पॉलिटिक्स के साथ नहीं जोड़ेंगे और उनको क्लास पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं समझेंगे, क्योंकि क्लास है क्या चीज़, वर्ग क्या है, जो शोषित वर्ग है हमारे देश में, आप उसको मजदूर कहिए, आप उसको किसान कहिए, लेकिन अगर उसका विश्लेषण आप करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा दलितों का है, बहुत बड़ा हिस्सा कुछ इलाकों में ट्राइबल्स का है, और बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं का भी है। तो इस तरह से भी हमको ये विश्लेषण करने की ज़रूरत है। और कास्ट और क्लास का जो आपस में क्लास्ट, हाँ ये अच्छा शब्द है, ये जो इनकी इंटरलिंकिंग है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए रोहित वेमुला भी, उन्होंने भी लिखा, बहुत सुंदर लिखा, ठीक है उनके मतभेद भी थे, लेकिन उन्होंने भी एक कल्पना, एक चित्र बनाया, मतलब नीले आकाश में लाल सूरज। तो हम लोग भी ये कहते हैं कहीं कहीं आकाश बड़ा होगा, सूरज छोटा होगा, कहीं कहीं सूरज बड़ा होगा, लेकिन ये जो दो दिशाएं हैं हमारे देश में परिवर्तन के आंदोलन की, अगर ये एक दूसरे के करीब नहीं आएंगी तो दोनों की क्षति होगी, जाहिर। तो ये हम लोगों का पहला और सबसे प्राथमिक काम होना चाहिए कि हम कुछ भी करें लेकिन इन दो दिशाओं को साथ लाएं। ये डॉक्टर अंबेडकर की ज़िंदगी में भी इसकी संभावना थी। अंबेडकर नवा देखते हैं अक्सर। हाँ हाँ देखते हैं। तो जब जब वो साथ आए और बड़ी हड़तालें हुई टेक्सटाइल के मज़दूरों की, और बहुत कम लोग जानते हैं एक गरीब किसानों के, उन्होंने एक मार्च में पार्टिसिपेट किया, श्यामराव पलुलेकर जो एक कम्युनिस्ट पार्टी के बाद में नेता बने, खोत के खिलाफ, एक सामंती प्रथा के खिलाफ। तो इन सारी चीज़ों में लेफ्ट के लोग और बाबा साहब एक साथ मिल करके लड़े। जो आपका ये महाड सत्याग्रह है तो उसमें भी जो किसान आंदोलन है, हाँ 37 का किसान आंदोलन है, उसके पहले 35-36 का महाड सत्याग्रह, उसमें भी आर बी मोरे जैसे लोग थे। तो उस परंपरा को फिर से जिंदा करने की ज़रूरत है, और दोनों तरफ के लोगों को उस परंपरा से सीखने और समझने की जरूरत है। एक किताब आई है अभी, एक दलित वामपंथी की बायोग्राफी है, बायोग्राफी में ऑटोबायोग्राफी है, मैडम ने मुझे दी है, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन उसका कुछ पोर्शन पढ़ के मैं मैडम का इंटरव्यू करूंगा। बहरहाल एक सवाल और जी, आप पोलित ब्यूरो के मेम्बर हैं, 21वीं सदी है, और कई बार ये लगता है कि जो प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन है वो कास्ट को लेकर भी, मजदूरों की भी जातियाँ होती हैं, उनके क्षेत्र धर्म सब होते हैं, क्या पोलित ब्यूरो में या वामपंथ एज होल लार्ज, सीपीएम को छोड़ दीजिए, एंटायर वाम में लेता हूँ, उसमें ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे कुछ मंथन है? इस पर बहुत मंथन है, और ये लोग अपना नेता भी देखना चाहते हैं लोग। हाँ, और ये बात लोगों के समझ में आना चाहिए, हाँ, कि अब वो नहीं चलेगा कि हम आपकी तरफ से बोल रहे हैं, हाँ आपके बिहाफ पे हम, हाँ, बोल रहे हैं, ये प्रॉक्सी, हाँ, हाँ, और ये ज़रूरी है तमाम सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन और लीडरशिप में उनका इन्वॉल्व होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर हम लोग थोड़ा इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगाते हैं, सोचने समझने में, सोचने में नहीं, उसको फिर लागू करने में भी, लेकिन शुरुआत तो हो गई है, जहाँ शुरुआत हो जाती है तो फिर होने लगता जी है। जी चलिए, ये कहना सिर्फ ये था मेरा कि अगर इतने 70-75 सालों में या वामपंथ के तकरीबन 100 साल के इतिहास में अगर हम दलित आइडियोलॉग्स वामपंथ के, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉग्स प्रोड्यूस करने में असफल रहे हैं, लेनिस्ट प्रोड्यूस करने में असफल रहे हैं, तो ये चिंतन हमें ज़रूर करना पड़ेगा कि हमने क्यों नहीं पढ़ाए, क्यों नहीं बनाए, सवाल बनता है। लेकिन अच्छी बात है मैडम कह रही हैं कि अब वामपंथियों को थोड़ा अम्बेडकरवादी होना होगा और अम्बेडकरवादियों को थोड़ा वामपंथी होना पड़ेगा, जो कि अम्बेडकर के ज़माने में भी ये पूरी धारा उस तरीके से चल रही थी। कुछ इंडिविजुअल्स को लेकर अम्बेडकर के बड़े तीखे सवाल थे और उन्होंने उठाए थे इलेक्शन को, 1952 के इलेक्शन में भी उठाए थे। बहरहाल चलिए, ये चिंतन मनन हो रहा है, मैडम हमारे साथ है, और शुभकामनाएं। आप देखते रहिए अम्बेडकरनामा, पूरा वीडियो देखिए, और जितने साथी हैं नेशनल दस्तक और कौन कौन है, ग्लोबल वॉइस, सारे जनहित आवाज़ के जितने चैनल हैं, ये सब बहुजन चैनल ओरिजिनल रियल है, पूरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। शुक्रिया आप सबका।